नमस्कार, न्यूज प्लस में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की कुछ खास खबरों की ओर। बिगोद में स्थानीय बालाजी चौक में शारदीय नवरात्र के तहत आठवें दिन रामलीला कलाकारों द्वारा मनमोहक दृश्य दिखाए गए, जिसमें लंका पर चढ़ाई लक्ष्मण शक्तिमान से मुर्दा वैद्य को लाने का दृश्य, संजीवनी बूटी लाने हेतु हनुमान उड़ान एवं कुंभकर्ण वध का दृश्य दिखाया गया। इस रामलीला का मुख्य दृश्य हनुमान उड़ान एवं संजीवनी बूटी लाना देखने के लिए लोगों का हुजूम उमड़ता है। बता दें कि यहां रामलीला का हनुमान उड़ान विगत 50 वर्ष से हो रहा है। मुख्य रामलीला होती थी उस समय यहां हनुमान उड़ान दर्शन सेन द्वारा की जाती थी, उसके बाद भी उन्होंने कई वर्षों तक किया। उनका बेटा भैरोलाल ने पिता के जान जोखिम भरे दृश्य को संभाले करीब 30 वर्ष हो गए। अब भैरोलाल का बेटा भी पिता के भांति साहस से अभ्यास के रूप में बीते 3-4 साल से कर रहा है। जहां से हनुमान उड़ान होती है वह 3 मंजिल के बिल्डिंग की ऊंचाई 50 फीट से ही ज्यादा है, करीब 60 वर्ष पुरानी है। बालाजी चौक में इसी बिल्डिंग से रस्से के सहारे हनुमान उड़ान यानी रस्ते पर लेटकर हनुमान संजीवनी बूटी लाने का दृश्य दिखाते हैं। पुराने कलाकारों के मार्गदर्शन में यह नए बालक कलाकार की रुचि लेकर रामलीला में पात्र कर रहे हैं। आज नवरात्रा के तहत चल रहे रामलीला का समापन होगा। अखंड राम धुनी की पूर्णाहुति बुधवार शुभ समय में सुबह होगी। रावण के 35 फीट के पुतले का निर्माण स्थानीय कारीगर कर रहे हैं। दशहरे को लेकर दशहरा मैदान पर तैयारियां चल रही है।